ए मा वृंदावती, तुम्हें मो तुलसी को रक्षा कर मा, ताको तुम्हें साहा हो, ए विपदरु तुम्हें ताको उद्धार कर, ए संकटरु मुक्ति कर, जमी भी हो ए दुष्ट दानव सांगे जीवा को दिनि मा, ताको अटके रख मा, ताको अटके दि। वृंदावती माँ मु एबे आसी गलेनी माने सब ठीक है जीव तुलसी। ये बूढ़ी स्त्री लोकटा किए? ज्वाई बाबू, तमे कण तम शाशुंक पाद छुईकी तांक पाखरु आशीर्वाद नबनी? हेते कण भाबुछ ज्वाई बाबू? मते बोधे लागुचे तम शाशुंकु हठात तम सामनारे देखिकी तमर बुद्धि सुधि कुआडे चली गलाणी, तमर मुंड बोधे काम करूनी। ये तो वृंदावती, ओ ये ताहले तांको भक्तर सहायता करिबा पई पृथ्वी पुष्टरे अवतरण करिसेंति। आयुष्मान बाबा, भगवान तुमको सद्बुद्धि दियंतु। जानिछ तुम दिजन को मु कोठे कोठे न खोजिछे, तुम्हें माने तो विश्वास ही करिवनी। शेषरे जाइकि मते सिना जना पड़ेला जे तुम्हें दिजन एठी अछ। हरे एबे तमे माने ए माँ को एठी एमती छेड़ा करथिबो ना भीतर को भी डाकिबो, मु भी तो टिके देखे मो झियो एते दिन धरी जहा घरे रहउतला से माने सब केमती। तुलसी तू कौन मते भीतर को डाकिबोनी कि? आसमा भीतर का सब अरे नारायणी तू तु?
तु कौन मत चिन्ह पारुनु नारायणी मुपरा बृंदा अरे तो पिला दिनर सांग किए ये मु तो कही आगरु आंको केबे भी देखिनी कि जानिनी से जहा भी हो ये जे होंदु ना कहें कि ये तो एबे मो तुलसी पाई देवी को रूप नहीं कि आछंती ताको सहाय्य सहयोग करबा पाई तेनो मते भी आंको कथा अनुसार चलिबा को पड़िबो अनेक दिन पर तथा देखुची तो से चिन्ह पार्लि तो मुंड बाड़गुड़ा भी पचीगला तू भी मो भाया बुढ़ी हो गलु तो चेहर बयसर छाप भी पड़े से जहा भी होते दिन पर ते मो घर देख मत बहुत खुशी लगला मत अच्छा नारायणी घरटा को तमे माने एते सुंदर भाव रे सजेइछ आज कौन किछि उत्सव अछि कि मो नाती चंदन तार जन्मदिन तो सेइथि पई ए सब आयोजन ये वयस्क स्त्री लोक जनक एक्चुअली कि जे संग्राम को निजर चुआई बोली संबोधन कले तुलसी जेजेमा तांको कथा को भी समर्थन कले प्रकृत रे आकर परिचय कौन चंदन ये हूँ मो सांग तो जेजेमा पुरी मुंडिया मार तुम आशीर्वाद ने अरे बापा आज परा तुम जन्मदिन आओ जन्मदिन रे एमती कौन कि मुह सुखिला करती तुम एमती उदास कहीं अच चिंता करनी मु परा आसीगली सब किछ ठीक हो जीव आलोक आसिले जमी अंधकार दूरे जाए सेमिति देखिब तम मनरु सब दुश्चिंता दूर हो जीव नारायणी तू तो परिवार रो बाकी लोकों के साथ मते कोना चिन्ह करैबुनी कि हां हां काहे कि नुए धनंजय एठी गया मासी प्रणाम कर ये होची मो पुतुरा धनंजय चंदन ना बापा आउ से होची मो बहु धरा गंधर्व आ एठी ये होची गंधर्व धरार भाई मुंडियम आउ सी हूँ लिसा मो नातुणी धरार झी लिसा आ प्रणाम कर आशीर्वाद ने किछी भी कथा ने नारायणी ए बोधे टिके चिड़ी चिड़ा स्वभाव भद्रामी शिष्टाचार संस्कार ए सब बोधे आको किछ जाना नाही हेले ए बृंदा एमिति केते बड़ा बड़िया को सीधा करिबा बेस भलो भाबरे जानि छी एक्सक्यूज मी आपण मते एबे गोटे कोन आक्षेप करिके कहिले नाही नाही मा मु तमको आक्षेप करिके कहूनी बरम सत जोटा मु तो सेइटा कहू छी भाग्य आ विधाता सह खेलिबा को तमको बहुत मजा लगे ना सेमिति मते भी खेल खेलिबा को भारी भल लगे हेले मु को मनीष सह केबे हेले खेलेनी माने मो कहबा कथा ला निज जीवन सह निजे केबे हेले भी खेलिबा उचित नुह एई देखु ना दि आपण माने ए झियटी केमिति ता हाथ रे गोटे छुंची धरी छी
ভালো মা যদি সে ছুঞ্চিটা তো হাতরে ফোড়িয়ে যাব তাহলে ততই তো কষ্ট হবে না দেখ দেলু দেখ মা ছুঞ্চিটা মতে দে কোন হেলা দোন কোন পাই ये तुलसी रो मां नुहंती आई मीन ये तुलसी रो मां केमती हे परबे तुलसी रो मां कर तो केबे तो स्वर्ग बसै सरची आलो मां तते कथा के कहला तू कोन तुलसी को बहुत वर्ष आगुरु जानिछु ना तू तारो पिला दिन रो संग आ ताहले तू कोन एया कहबा को चाहौछु जे तुलसी ए घर सहित बहुत पूर्वर संश्लिष्ट ए घरे तार बहुत पुराना संपर्क अछि नहीं माने तुलसी एते दिन घरे रहबा भितरे ता मां को बिषय केबे किछि भी कहिनी सेति पे मते लागला जे बोध हे ता मां ए दुनिया रे नाहते नाइलो मां मु उपरा होछि तुलसी रा मां मोरी प्रतिरूप होछि तुलसी माने से होची मोर झियो आउ मां पाखरु ता पिला माने जेते दूर रे भी थिले ना मां को ता पिला जदी कष्ट रे थाए ताले जणा पड़ी जाए आउ मु जाने एबे एई समय रे मो झिया मते बहुत खोजु थिला से एबे बहुत दुखी अछि मां देखो ना ए लोकटा केमिति जोर जबरदस्ती निजो को मोर स्वामी बोली कहूची आलो माँ समस्त आगे निज स्वामी विरुद्ध एमती कौन किए कथा कहे जिते जहाँ भी संग्राम पर तो स्वामी तो स्वामी विषय तू कौन एमती कथा कहवाटा उचित तेणु संग्राम को उपरे तू एत भी रागवाटा जमा भल कथा नुह अवश्य मु एक कथा भी बहुत भल भाव जाने कि एथिपाई संग्राम रो अधिक दोष थिबो कौन ज्वाई बाबू मो झियो को तमे काई के एते हैरान करूछो अच्छा वृंदावती ताहले मो संगरे छळना करूछंती ठीक अछि एथरो मु तांको छळना रा जवाब ठीक दउछि माँ तुलसी मते इजो स्वामी बोले ग्रहण करिया पई अराजी होचंती यार कारण ही तमे केवल तमे ही ए सब कथा पई दाई तुलसी को बाहाब बोली तमे ही तो जिद्दी करथिले ना एबे फल पाइला तो निश्चय तमे मो तुलसी को बाध्य करथिबो तम सह वैवाहिक संपर्क रखिबा पई बुझिलु नारायणी मु ए संग्राम को केते बुझेली बुझेई बुझेई थक्की गली पछे तथापि ए मो कथा सुनिलेनी एबे देखे कथा आसी के कोठी पहुंची गलानी पिलाटी दिनरु संग्राम तुलसी को भल पाउथिले बाहा एबे बोली जीद धरि के बसिले मु जेते मना कली से कोन मो कथा सुनिले शेषरे बाध्य हेई मते तुलसी सहित संग्राम रो बाहागर करबा को पड़िला हेले देखे तुलसी रो कुंडली रे जो दोष थिला ताकु मु निवारण करि पारलिनी माने कोन आउ तते मु कहिबे नारायणी ता कुंडली रे कोन दोष अछि जानिछु ता कुंडली रे एया दोष अछि जे ता स्वामी सहित तार जो दिन भी वैवाहिक संपर्क स्थापन हेछिबो सेही दिन ही
ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କୁଆରୀର ଜୀବନଯାପନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇ କଥା ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବୁଝିଲେ ତ? ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ତ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଛି। ମିଛ କଥା, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତେ? ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇସାରନ୍ତିଣି। ୟା ଅର୍ଥ କାଲି ରାତିରେ ତୁଳସୀ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲା ସତ କହିଥିଲା। ବୁଝିଲୁ ନାରାୟଣୀ, ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ମିଛ କଥା କୁହେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା ହିଁ କୁହେ। ହେଲେ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସବୁ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ସେମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ପଛେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ତୁଳସୀର ସ୍ୱାମୀ। ତୁଳସୀ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଆନ୍ତୁ? ହଁ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଦେଖି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲାଣି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ? ଆରେ ବାପା, ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ, ସେ ପରା ଆଗ ମୋ ଝିଅ, ବୁଝିଲ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ? ତୁଳସୀ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୃନ୍ଦା, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ସେମିତି ଚାଲିଯିବୁ? କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବୁ ନା? ହଁ ହଁ, ଆମକୁ ବି ତ ତୁଳସୀ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରେଇବାର ଅଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଏଠି ରହିଗଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା, କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ? ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି ଯୋଉଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ତମରି କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚଳିବ ତ? ହଉ ହେଲା, ତମେ ବି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ହେଲେ ଏବେ ଯାଅ, ବାହାରେ ସବୁ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ? ହଁ ତମେ। ଆରେ ଏମିତିରେ ବି ଶାଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ଯା, ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି, ନେଇ ଆସ। ହଉ ହେଲା, ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ତୁ ଗଲୁ, ତୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରିକି ଆଣିବୁ, ଯା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଇଏ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନୁହନ୍ତି ତ?